हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ और आगे वीडियो में आप सभी को मैं कुछ दिखाने वाली भी हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैं वाटरमेलन छीन रही हूँ क्योंकि चल रहा है अभी गर्मियों का सीज़न, बहुत सारे मार्केट में ये मिल रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मीठा मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पानी जब ये हो जाएगा ना तो फिर मीठा इसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे आया हुआ था और फ्रिज में मैं रखे थे ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो जिससे इसकी मतलब स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाता है। गर्मियों की इतनी भीषण की गर्मी चल रही है, इसमें हेल्दी फूड फ्रूट्स खाया कीजिए आप सब भी। मैं तो अपने बच्चों को देती हूँ और आप सब भी खाया कीजिए ताकि बहुत ही अच्छा लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है। बारिश तो अभी हो नहीं रही है, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है बाहर ना कि बाहर निकलने का एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही है। काम भी रह रहा है तो भी कोई जल्दी बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे मैं लेकर के अभी मैं जाऊंगी और छीलते छीलते ही मैं खा भी रही हूँ क्योंकि इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं छीलते छीलते मैं खाती भी रहती हूँ। कोई किसी बड़े को नहीं खाना है, हम लोगों को ही खाना है, बच्चों को और मुझे खाना है, इसलिए मैं जूठा भी कर दे रही हूँ। इस माइंड मत लीजिएगा, ये मत बोलेगा कि आप जूठा कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बड़े को नहीं खाना है तो आप सभी को पता है कि अभी हमारे घर में पेंट का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से इतना घर अस्त व्यस्त है ना कि क्या ही बताएं। समय से खाना भी मेरा नहीं बन पा रहा है, कभी मिस्त्री सुबह सुबह ही आ जा रहे हैं। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि गर्मी की वजह से दोपहर में कोई काम नहीं कर रहा है, सुबह में काम कर रहे लो और शाम को काम कर रहे लो, तो एकदम सुबह सुबह ही आ जा रहे लो। पहले तो बच्चों के स्कूल के लिए मुझे सुबह उठना पड़ता था, लेकिन अब ये मिस्त्री आ रहे लो तो 6 बजे तक आ जाते हैं लोग, उनसे पहले ही मुझे जगना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त रह रहा है, उन लोगों के साथ रह रह करके काम करवाना पड़ना है, वरना वो लोग अच्छे से नहीं करेंगे लो, तो बस इसी वजह से मेरा घर पूरा फैला हुआ है। अभी पता नहीं कितने दिन लगेगा इसमें, कितना नहीं लगेगा। बहुत ही दिमाग एकदम से मेरा डिस्टर्ब चल रहा है आजकल। और यहाँ मैं इसमें चाट मसाला लगा करके दे दूँगी बच्चों को, नमक लगा कर थोड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी बहुत अच्छा लगा। मैंने एक टेस्ट भी किया, आप सभी इस तरह से चाट मसाला टेस्ट करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। हे गाइस, आप सबने क्या नाप तोल से कॉफ़ी शॉपिंग किया है? जी हाँ, मैंने भी पहली बार शॉपिंग किया हुआ है नाप तोल से। हमेशा तो मैं मीशो और फ्लिपकार्ट को ही सबसे बेस्ट मानती हूँ क्योंकि मैं हमेशा उसी से शॉपिंग करती हूँ, ज़्यादातर मैं फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन पहली बार प्रियल की वजह से मैंने नाप तोल से शॉपिंग किया। और देखिए मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ, इसका पैकेजिंग तो पहले देख करके मुझे बहुत ही डाउट हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने मंगाया हुआ क्या है, तो लेकिन जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सेम वैसे ही मुझे रिसीव हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे बर्तन मंगाया हुआ था, नॉन स्टिक का बर्तन मंगाया हुआ था, और ये चमची देख करके तो पहले मेरे हालत ख़राब हो गए क्योंकि इसके चमची बहुत छोटे थे, और उसके बाद से ये है सॉसपैन है चाय बनाने वाला, और एक देखिए कढ़ाई है, ये कढ़ाई है, लेकिन ये सारे कुछ देखकर मेरे फेस का रिएक्शन आप सभी को देख करके पता लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक तवा मिल जा रहा है, क्वालिटी तो इसकी मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है तो इसकी साइज़ में है। इतने छोटे छोटे हैं ना, जैसे लग रहा है बुलबुल के खेलने के लिए ये चीज़ें हैं। पहले मैं नहीं समझ पाई थी कि इतना छोटा आएगा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे रिटर्न करूँ या रखूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्वालिटी देख करके तो मुझे रिटर्न करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्योर नॉन स्टिक है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। ये जो कढ़ाई है ना, सबसे साइज छोटे में कढ़ाई है, कढ़ाई थोड़ा सा इससे और बड़ा होता ना तो इसमें कुछ बन जाता, लेकिन इतना छोटा कढ़ाई है ना, जैसे लग रहा है बच्चों के खेलने के लिए, मतलब इतनी सा एक पेट के लिए है ये, एक आदमी अगर कोई हो तो अपने लिए थोड़ा सा कुछ भी बना सकता है इसमें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप सभी को भी अगर ख़रीदना होगा तो यहाँ से आप ले सकती हैं। और ये है हमारे छत में
अपने छत पे आई हूँ। हमारे छत से बाहर ऐसी मस्त हरियाली दिखती है। यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान अब वो डूबने वाले हैं। शाम का समय हो चुका है और मैं छत पे आई हुई हूँ क्योंकि हमारा टीवी बिगड़ चुका था, टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर मैकेनिक को बुलाया हुआ था, तो वो यहाँ छत पर देख रहे थे हमारे एंटीने को। इनसे भी सिग्नल नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे एंटीना बिल्कुल भी हिल गया था एकदम से, इसके लग गया था इसमें ना बांस से चोट लग गया था जिसकी वजह से ये पूरी तरह से हिल गया था। लेकिन किसी भी तरह से ये भैया मैकेनिक है तो कुछ तो करेंगे ही, अभी बना ही देंगे थोड़ी देर में। और ये मेरे अगल बगल के चारों तरफ का माहौल है, सब नए नए घर यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चारों तरफ हरियाली भी रहती है, चारों तरफ घर भी है, मतलब हर चीज़ का इंजॉयमेंट यहाँ हम लोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे मैं भी हूँ छत पे, सोचा कि आप सभी को भी मैं थोड़ा सा व्यू आप सभी को दिखा दूँ ताकि आप सबको भी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे खड़े, अभी थोड़ा थोड़ा धूप ही है, अभी तो 6:30 बजे तक इतना ज़्यादा धूप रहता है कि क्या बताएं। अभी करीब 4 या 5 बज रहा है इस टाइम पर, ये आए हुए हैं तो हम लोग छत पे आए हुए हैं, लेकिन छत पर अभी थोड़ा धूप लग रहा है। सूर्य भगवान डूबने वाले हैं लेकिन फिर भी धूप लग रहा है, तो मैं तो आज बनवा के ही रहूंगी क्योंकि टीवी के बिना बच्चों का बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। गाइस यहाँ पे ये क्या पेंटिंग छप रहा है, ध्यान से इसे देखिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि ये किस चीज़ की। देखिए मैं इसको पास से दिखा रही हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये कृष्ण और राधे की मूर्ति यहाँ पे है, जो इधर तो मैंने चारों तरफ से फूल लगाया हुआ है और यहाँ पे मैं सामने में मंदिर बनाती हूँ तो मंदिर के पास मैं कृष्ण और राधे की मूर्ति लगा, बट ये इतना छोटा है ना कि देखने में दूर से कोई देखे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर जिसके मन में भक्ति है अगर पास से कोई देखेगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ये राधे कृष्ण की मूर्ति का फोटो है तो यहाँ पे ये बन रहा है और आज पेंट के काम आज फाइनल पूरी तरह से हो जाने वाला है। सबसे लास्ट काम यही बचा हुआ है मेरे दीवार पे, जो भी पेंटिंग ये करनी है वही बचा हुआ था। तो एक रूम में जिसमें मतलब आगे वाला हम लोग का जो रूम है उसमें मैं बटरफ्लाई ये बनवा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी जब आगे बन जाएगा उसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ, तो फिर कॉमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये कारीगर जो है यहाँ पे अच्छे से बना रहे हैं और ये तितली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बुलबुल के पसंद से ही बन रही है, उसी को बहुत ज़्यादा मन था कि इसमें ये तितली बने, तो यहाँ पे तितली बनवा रहे हैं हम। तो ब्लॉग में बने रहिए और फिर बन जाएगा तो फिर पूरा वीडियो आप सभी को दिखाते हैं। इस वाले दीवार पर भी ये वाला हो गया, देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई बनवाए हैं हम, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम लग रहा है जैसे पंख फैला कर उड़ाइए। सुबह से ही मिस्त्री आए हुए हैं, एकदम 6 बजे से ही घर में, मतलब मेरे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। देखिए हम ना नहाया ना कुछ भी किया, इतना गर्मी में बस ये करवा रहे हैं। और इसमें ना पेंट भी खत्म हो गया था, घर का पूरा मतलब पेंट का काम खत्म हो चुका था, जो बचा खुचा पेंट था सिर्फ उसी से बनवाया है। तो भी यहाँ पे पेंट खत्म आधा हुआ था, तक पेंट खत्म हो गया तो फिर इधर साइड का फिर दूसरे कलर से हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, बटरफ्लाई थोड़ा सा कलरफुल भी अच्छा लगता है। तो इस रूम में इस तरह से हुआ है, कैसा लग रहा है कॉमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हुआ है और आगे के रूम में दिखाते हैं आप सबको, सभी रूम में एक एक दीवार पे हो गया। इस रूम में यहाँ पे ये रूम वाला तो सबसे बेस्ट लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगवाया ना, यहाँ पे थोड़ा सा कृष्ण भगवान जैसा लगवाई, देखेगा कोई ध्यान से देखेगा तब पता चलेगा, मैं तो उर्दू भाषा ये पता चल रहा है। और इस घर में अभी हो रहा है, इस रूम में भी काम चल रहा है। मम्मी का नेट बंद कर दिए, बंद हो गया बंद, देखना घड़ी पे किसी का पहना है। यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है उधर का, इधर का साइड में हो रहा है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये उधर वाला बहुत सुंदर।
अच्छा करवा रहे तुमको टीवी कनेक्ट। अभी हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पहले हम जल्दी से पोछा लगा रहे हैं, अभी तक कोई नाश्ता भी नहीं किया है। 10:30 11 बज गया, नहाना तो दूर की बात है, नहाए तो अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं है।